हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग दी एनआईआई पीएचडी प्रोग्राम, जो कि रिलीज किया गया है फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2024 टू 2025, दैट इज फॉर द मॉनसून सीजन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की तरफ से जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एनआईआई जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है। ये भी हर साल जो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन रिलीज करता है। यहाँ पे एंट्री लेने के दो तरीके हैं, विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, और साथ ही साथ एनआईआई अपना जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उस एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको जीआरएफ के बराबर फेलोशिप मिलती है और आप जो है डायरेक्टली एनआईआई से पीएचडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप इनके इनकेस अगर आपके पास सीएसआईआर या फिर नेट जैसी जो फंडिंग एग्जाम होते हैं अगर वो क्लियर है, जैसे कि हो गया सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपके पास कोई भी जीआरएफ क्लियर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया, दिस इज एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025। सो एनआईआई इनवाइट द एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इट्स पीएचडी प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक डिजीज बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है आपको एनआईआई में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन से बच्चे जो है एलिजिबल होंगे इस पीएचडी के फॉर्म को भरने के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका एमएससी जो है वो किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस से हुआ है, जैसे कि हो गया बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, या फिर अगर आपने एमटेक, एमबीबीएस, एम फार्मा, इंटीग्रेटेड एमएससी किया है और इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन किया है तो आप जो है जेएनयू के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है आपको 60% एग्रीगेट स्कोर जो है या फिर इक्विवेलेंट स्कोर आपका सीनियर सेकेंडरी के सर्टिफिकेट में होना चाहिए, यानी 10+2 यानी 12th क्लास में जो है आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ बैचलर डिग्री भी आपकी जो है 60% के साथ होनी चाहिए और साथ ही साथ मास्टर डिग्री जो है 55% ये लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ 5% का रिलैक्सेशन है, अगर 5% का रिलैक्सेशन है आपके 12th के परसेंटेज में, बीएससी एंड एमएससी के परसेंटेज में, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 12th में बीएससी में 60% चाहिए और एमएससी में 55% चाहिए, और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जो है 5% लेस रहेगा, मतलब कि हो गया 12th एंड बैचलर में 55% एंड एमएससी में 50%। ओके, नेक्स्ट, कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन इन द करंट एकेडमिक ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई। और साथ ही साथ अगर आपकी फाइनली मतलब आपका जो फाइनल डिग्री है वो अभी कंप्लीट होने वाला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो जुलाई 2024 तक आपके पास अवेलेबल हो जाना चाहिए। रिजर्वेशन जो है सीट का वो कुछ इस तरीके से मेंशन है, जैसे कि 15% जो है एससी के लिए रखा गया है, 7.5% एसटी के लिए, 27% सीट जो है ओबीसी एनसीएल के लिए एंड 5% सीट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। साथ ही साथ इफ अ पर्सन इज बिलोंगिंग फ्रॉम ईडब्ल्यूएस हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी शैल गिवन द 10% रिजर्वेशन, और जो रेस्ट बचा हुआ रह जा रहा है परसेंटेज वो होगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर समझ लेते हैं कि किस बेसिस पे जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो जैसे कि मेंशन है कि एनआईआई जो है कैंडिडेट्स को पीएचडी प्रोग्राम के लिए दो चैनल के थ्रू सेलेक्ट कर सकता है। पहला चैनल जो है वो है सीबीटी टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि एनआईआई जो है 2024 टू 2025 सेशन के लिए कंडक्ट करवाएगा, दैट इज फॉर द मॉनसून सेशन के लिए कंडक्ट करवाएगा। टू बी कंडक्टेड बाई द एनआईआई एट अ मल्टीपल सेंटर अक्रॉस द इंडिया ऑन 28th of April 2024, यानी संडे को जो है 28th of April को एनआईआई का कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो पहला चैनल ये है कि उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आप एनआईआई में एंट्री ले सकते हैं, और दूसरा चैनल है दैट इज ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी एंड इंटर डिसिप्लिनरी लाइफ साइंस, जिसे कि हम जेजीबल्स कहते हैं। तो अगर आपने जेजीबल्स 2024 जो है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, मतलब कि जेजीबल्स जिसे कि हम टाइफर कहते हैं, टाइफर 2024 अगर आपका क्लियर होगा या आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एक है टाइफर का चैनल और एक है डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके। द कैंडिडेट मस्ट अपियर इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन मेंशन अबव। तो ये दोनों एग्जाम में से किसी भी आपको एक एग्जाम में अपियर होना है खुद को एलिजिबल बनाने के लिए। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर स्कोर आइदर इन द एनआईआई 2024 टू 2025 एग्जामिनेशन और जेजीबल्स 2024। तो बच्चे जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो इस बेसिस पे किए जाएंगे कि आपके जो है आपने किस तरीके का स्कोरिंग किया है आइदर एंट्रेंस एग्जाम में या फिर जेजीबल्स में, जो भी ऑप्शन आप ऑप्ट करते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। और एनआईआई की वेबसाइट पे जो है और नोटिस बोर्ड पे जो आपका फाइनल मतलब कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इस एग्जाम के बाद जो है आपका दो राउंड का इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट होगी वो 6th of May 2024 तक जो है एनआईआई की वेबसाइट पे और उनके नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएगी।
बाकी देख लेते हैं क्या क्या और एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, द इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑनलाइन। इंटरव्यू जो है ऑनलाइन हेल्ड किया जाएगा, दैट इज 4th to 6th June 2024 एंड 10th to 12th June 2024। फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ऑन एनआईआई वेबसाइट एंड द नोटिस बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट विद इन अ वीक ऑफ द फाइनल इंटरव्यू। तो क्योंकि यहाँ पे दो राउंड होगा इंटरव्यू का, तो पहला राउंड जो है 4th से लेकर 6th जून के बीच में होगा और जो सेकंड राउंड होगा वो 10th से लेकर 12th जून के बीच में होगा। जो फाइनल लिस्ट होगी कि कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए, वो लिस्ट जो है आपको फाइनल जो इंटरव्यू होगा उसके एक वीक के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। और उसके लिए जो है आपको इनके नोटिस बोर्ड पे या फिर डायरेक्टली जो है इनके वेबसाइट पे विजिट करना होगा। जो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे वो पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं मेनली इन द एनआईआई जो कि एफिलेटेड है जीएनयू से। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के बारे में कि क्या क्या जो है मेंशन किया गया है। तो पीएचडी प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि बोला गया है कि जो प्रोग्राम है वो 1st of July 2024 दैट इज मंडे से जो है कमेंस कर दिया जाएगा। एनआईआई जो है जीआरएफ को यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है एनआईआई फिलहाल में स्टूडेंट्स को 37,000 पर मंथ जो है प्रोवाइड करेगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास ऑलरेडी फेलोशिप क्लियर है, दैट इज अवॉर्डी ऑफ फेलोशिप फ्रॉम सीएसआईआर, यूजीसी, आईसीएमआर, डीबीटी और डीएसटी मे अवेल देम एज पर द रूल ऑफ रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ये फेलोशिप ऑलरेडी है तो इन दैट केस आपको अपनी फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट करनी होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास ये सारे एग्जाम क्लियर भी हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सीएसआर भी क्लियर है या फिर आपका आईसीएमआर क्लियर है, इन दैट केस ऑल्सो आपको जो है एनआईआई का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और वहां पे अलग से जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इनके यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे आप सीएसआर नेट क्वालिफाइड हो या फिर क्वालिफाइड ना हो, आपको जो है एनआईआई का एंट्रेंस एग्जाम या फिर टाइप फॉर एग्जाम, दोनों में से कोई भी एग्जाम क्लियर करके तब जाके आपको एनआईआई में एंट्री मिलेगी। एंड ऑफकोर्स क्लियरिंग द इंटरव्यू एज वेल, ठीक है। एनआईआई के कैंपस में जो है आपको शेयर हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको इनकी वेबसाइट पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और एनआईआई के इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो है आपको मेनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का फी है वो है 1200 फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट और 600 है रेस्ट ऑफ द कैटेगरी के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाला है फी। अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी की, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की फैसिलिटी शुरू होगी वो होगी 26th of February 2024 से और डेडलाइन रहेगी 25th of March 2024। अगर आपको किसी हेल्पलाइन नंबर की जरूरत पड़ती है तो ये है हेल्पलाइन नंबर, साथ ही साथ ये है ईमेल आईडी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, या फिर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एकेडमिक मैटर से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है और रिजॉल्व नहीं होती है तो आप इस मेल आईडी या फिर इस गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे आपके सीनियर सेकेंडरी का जो सर्टिफिकेट है यानी 10th या फिर 12th का जो भी सर्टिफिकेट है उसमें जैसा आपका नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है वही जो है नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको अपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसमें भी वो मेंशन होने चाहिए। मेक श्योर जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपने डिटेल्स डाल रहे हो वो सही होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज आपके फॉर्म को जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए की डेट्स देख लेते हैं कौन कौन से डेट जो है इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है दैट इज योर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो जाएगा 26th of February 2024 से और क्लोजिंग डेट जो होगी 25th of March 2024 होने वाली है। एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी डाउनलोड के लिए जो है वो 8th of April से शुरू हो जाएगी और एंट्रेंस एग्जाम जो है एनआईआई का वो 28th of April 2024 रहने वाला है, दैट इज ऑन संडे। एंट्रेंस का जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट है वो 6th of May 2024 रहेगा। ऑनलाइन इंटरव्यू जो होगा फर्स्ट राउंड का वो 4th से लेकर 6th जून के बीच में होने वाला है और सेकेंड राउंड जो है वो 10th जून से लेकर 12th जून के बीच में होने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल नोट डाला है दैट द वुमेन कैंडिडेट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट आर इनकरेज टू अप्लाई। कोई भी वुमेन कैंडिडेट जो कि रिक्वायरमेंट को जो है मीट कर रही है, उनमें रिक्वायरमेंट जो भी जरूरत है वो सारी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल कर रही है तो दे आर इनकरेज टू अप्लाई। अब मैं अगर आपको बता दूं अबाउट दी एनआईआई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है मैंने भी एक बार दिया था। तो अगर हम बात करें तो क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज अ इंस्टीट्यूट फॉर दी इम्यूनोलॉजी, राइट, दैट इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इनके जो एग्जाम का पेपर होता है ना वो मोर ऑर लेस सीएसआईआर के लेवल का होता है, लेकिन अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग अलग था। लेकिन अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो एनआईआई का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जैसे कि मेरे टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मेडिकल फील्ड के पूछे गए थे, यानी जिसमें कि इम्यूनोलॉजी मेंशन हो, मेडिकल एस्पेक्ट्स मेंशन हो, ड्रग रिलेटेड चीजें ऐसे पूछी गई थी। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे ऐसा पेपर देते टाइम ऐसा फील हो रहा था कि मैं कोई मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल फील्ड का जो है एंट्रेंस एग्जाम दे रही हूँ।
पेपर का लेवल मुझे मतलब कि एवरेज से थोड़ा सा हाई लगा था। मतलब मुझे पेपर का लेवल बहुत एवरेज के बिलो भी नहीं लगा था, और ऐसा भी नहीं था कि एक्सट्रीम टफ था। ठीक है, तो एवरेज और टफ के बीच का कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो इस पेपर का था। और साथ ही साथ इसमें जो है थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंक्लूड की गई थी, स्पेशली वो फिजिक्स केमिस्ट्री जो हम 12th क्लास में पढ़े हैं, जो डिफरेंट न्यूटन्स के लॉ हैं वो सब को, उसके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो पूछ दिया गया था। साथ ही साथ साइंटिफिक फिनोमिना से भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, तो ये सारी चीजें पूछी गई थी। लेकिन अगर आप एनआईआई का मतलब एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना चाहोगे तो आपको मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि जो आप सीएसआर की तैयारी कर रहे हो उसी से हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस काफी टाइम पहले किया था, लाइक इट्स बीन मोर देन 5 ईयर्स नाउ, तो अभी मैं हो सकता है कि बहुत सी चीजें चेंज हो गई हो, क्योंकि इनका पेपर जो है आसानी से मिलता नहीं है। ऑल दो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर कोई सैम्पल पेपर मिल जाए तो, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली हमको फिर बाई डिफॉल्ट सीएसआई नेट का सिलेबस ही फॉलो अप करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते भी हैं तो कुछ एकाध जो मतलब कि एक तरीके से हो सकता है कि इम्यूनोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ कंसेप्ट अच्छे से रेडी करके जाएगा, कुछ मेडिकल फील्ड यानी जिसमें कि थोड़े मेडिकल एस्पेक्ट्स चले आते हैं, ड्रग का यूज चला आता है, या फिर कुछ मेडिकल टेक्निक जिससे कि हम किसी भी ड्रग के बारे में या किसी डिजीज कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं, वो सारी चीजें जो है, या डिजीज रिलेटेड फैक्टर्स से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाता है। तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएंगे, तो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन केस अगर आपके पास कोई फेलोशिप अभी फिलहाल में नहीं है, तो कि नेट एंड नॉन नेट दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड डो नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।